विश्व की नंबर वन टू व्हीलर कंपनी हीरो के अधिकृत डीलर ठक्कर हीरो आपके लिए लेकर आए हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फाइनेंस मात्र 5,999 के साथ। आधार कार्ड लावे और अपनी मनपसंद की हीरो की बाइक ले जावे। अब हीरो के वाहन में पेट्रोल चोरी नहीं होगा और 2 लीटर पेट्रोल रखना भी अनिवार्य नहीं है एवं पहले से 6% अधिक माइलेज मिलेगी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हमारा पता है ठक्कर हीरो इंदौर रोड खंडवा, हमारी शाखा माता चौक आनंद नगर में भी है। तो अभी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9425928519 व 9575060232 व 6263311424। मुख्यमंत्री का नाता है खंडवा में केरल की एलडीएफ सरकार के जंगल राज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के नेतृत्व में केवल राम चौराहे पर केरल सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल सोनी ने कहा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मंत्री वरिष्ठ नेता एडवोकेट रंजीत श्रीनिवासन की उन्हीं के घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। केरल सरकार के आश्रय में विशेष वर्ग द्वारा आम जनता की हत्याओं के सिलसिला निरंतर बढ़ता जा रहा है। समय रहते ऐसी अंधी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में केरल ही नहीं इस तरह के राज्यों में जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं कि पूरे देश में भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा केरल सरकार एवं मुख्यमंत्री के विरोध में पुतला दहन कर आयोजित किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला मुख्यालय में पिछड़ा मोर्चा द्वारा केवलराम पेट्रोल पंप चौराहे पर केरल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता केरल में पिछड़ा और मोर्चे के प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्रीनिवासन जी की हत्या, उनके घर में घुस के कुछ उपद्रवियों ने उनके परिवार के साथ उनके साथ जो अभद्रता की और जो हत्या की उसके विरोध में, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके, जो वहाँ की सरकार है जिसका निरंकुश सरकार जिसके कार्यकाल में वहाँ पे आम जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह की हत्याएं निरंतर हो रही हैं, उसके विरोध में पिछड़ा और मोर्चे के द्वारा आज ये कार्यक्रम यहाँ पुतला दहन का सीएम केरल का किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने पिछड़ा वर्ग मोर्चे के माध्यम से पूरे हर जिला केंद्र पर वो जो केरल में घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के मंत्री है उनका जो जिस निर्ममतापूर्वक हत्या हुई है उसके विरोध में आदेश आया कि सभी कार्यकर्ताओं को जाके विरोध प्रदर्शन करना है, ताकि वहाँ के कार्यकर्ताओं को ये नहीं लगे कि केरल में घटना घटी है तो खंडवा के लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसके माध्यम संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी जहाँ खड़ा है, मुसीबत में खड़ा, तो उसके सुख दुख में हम खड़े हमेशा रहेंगे। उसका यही परिणाम है कि खंडवा जिले में अल्प सूचना पर इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, और हम चेतावनी देना चाहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को कि वो अकेले न समझे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, क्योंकि एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक, यदि एक दीप जिला है ऐसे पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में वहाँ के मुख्यमंत्री का विरोध होगा, वहाँ की सरकार का विरोध होगा।